खुद मंथन करते हैं, खुद ही फैसला लेते हैं कि पार्टी में क्या करना है। तो ये जदयू में भगदड़ इस वजह से थी और शायद मुझे लगता है कि नाराजगी अभी आगे जाहिर रहेगी और इस वजह से मुझे लगता है कि जदयू में कहीं ना कहीं टूट की ऐसी संभावनाएं जताई जा रही है। जाकर के उन्होंने मंत्री पद अपना ले लिया, इस्पात मंत्री वो बन गए। तो ललन सिंह को इससे खटक गया, ललन सिंह को बुरा लगा, वो चाहते थे कि मंत्री हम केंद्र में बने लेकिन वो नहीं बने। लेकिन अब ललन सिंह को मंत्री बनाया गया है, वो कभी नहीं चाहेंगे कि नीतीश अलग हटे, क्योंकि नीतीश अगर अलग होंगे तो उनका एक तो मंत्री पद चला जाएगा। नीतीश कुमार का क्या है कि अगर भाजपा उस डिमांड को पूरा नहीं करती है तो नीतीश पलट भी जाते हैं, पलटने से नुकसान इन लोगों को हो जाता है। तो इस वजह से नीतीश को रिप्लेस करने की अब कैसे तैयारी की जा रही है, तो भारत रत्न दे करके मांग किया जा रहा है। रोहिणी आचार्य सिंगापुर से आई और आते सीधे बाढ़ग्रस्त इलाके में चली गई, ये काबिले तारीफ है। जो उनके भाई नहीं कर रहे हैं, जो नेता प्रतिपक्ष बिहार में रहते हुए नहीं कर सकते हैं, जो एक सीएम का दावेदार युवा व्यक्ति जिन पर युवाओं का एक भरोसा है, वो व्यक्ति आज दुबई में बैठकर वहां से बिहार के बाढ़ के बारे में जायजा ले रहे हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। यह खास कार्यक्रम रातों रात सुबह के 7:30 बज चुके हैं और हमारे साथ हमारे सहयोगी रत्नेश जी हैं। आप ही के कुछ सवाल हैं जो इनसे पूछेंगे और जानने की कोशिश करेंगे उस सवालों के क्या जवाब आते हैं। तो रत्नेश जी, सबसे पहले ये जदयू में भगदड़ क्या है आखिर? ये जदयू में भगदड़ है क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस परिस्थिति को जानते हुए कल एक बैठक बुलाई थी जी। ये राज्य कार्यकारिणी की बैठक थी, लेकिन इस बैठक के अंदर कई लोगों की नाराजगी की बात कही जा रही थी जी। हमने कई लोगों से जब वो कार्यकारिणी के बैठक से जब बाहर निकल रहे थे तो सवाल हमने किया कि क्या आपके संगठन के अंदर सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है जी। क्योंकि जो राज्य कार्यकारिणी की बैठक की गई है, राज्य में जो कमेटियाँ बनाई गई हैं जदयू के अंदर, एक महीने के अंदर दो दो बार बदलाव हो गए, जिसमें नीतीश कुमार के बेहद करीबी एक रिश्तेदार हैं उनका नाम हटा दिया गया था, बाद में फिर उनका नाम जोड़ा गया। इसके अलावा कई ऐसे MLC हैं जिनके करीबियों के नाम पहले रखे गए फिर हटा दिए गए जी। कुछ लोग, कुछ नेता ऐसे हैं जदयू के अंदर जो चाहते कि हमारी लॉबी हावी रहे जी। और इस वजह से नाराजगी उनके पार्टी के अंदर उनके विधायकों में भी दिख रहा है जी। प्रवक्ता से विधायक डॉक्टर संजीव ने किस तरीके से, आपने देखा होगा कि बाहर निकलते हैं बीच बैठक से और वो जवाब देते हैं कि वाकई में पार्टी में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। कुछ लोग जो हैं अपना दबदबा बनाना चाहते हैं, कुछ लोग चाहते हैं कि हमारा वर्चस्व बना रहे जो कि पार्टी के लिए ठीक नहीं है जी। तो इसे क्या माना जाए, नाराजगी है और ये नाराजगी होते होते पता चलेगा भगदड़ का रूप ले लिया जी। अचानक से भगदड़ मच जाएगा तो। लेकिन नीतीश कुमार देखिए, अपने पार्टी संगठन को बचाने के लिए नीतीश कुमार भले ही उनके उम्र, उनके मतलब बौद्धिक क्षमता के बारे में कई चर्चाएं की जाए, लेकिन नीतीश कुमार आज भी उतने ही ज्यादा सक्रिय अपने पार्टी को बचाने के लिए रहते हैं जितना पहले 2005 या फिर समता पार्टी काल से JP आंदोलन के समय से रहे हैं रणनीति बनाने में। उनके आगे पीछे उनके सलाहकार समिति में कौन है? नीतीश के साथ जितने सारे लोग थे, जितने सारे व्यक्ति थे उनके करीबी, सलाहकार समिति में नीतीश खुद मंथन करते हैं, खुद ही फैसला लेते हैं कि पार्टी में क्या करना है। तो ये जदयू में भगदड़ इस वजह से थी और शायद मुझे लगता है कि नाराजगी अभी आगे जाहिर रहेगी और इस वजह से मुझे लगता है कि जदयू में कहीं ना कहीं टूट की ऐसी संभावनाएं जताई जा रही है। बाकी आप पूछ लेंगे कि क्या ये टूट की वजह ललन सिंह है, क्योंकि ललन सिंह कल कार्यकारी में बैठक में नहीं थे। अगला प्रश्न आपका यही होगा जी। तो बिल्कुल ललन सिंह, देखिए ललन सिंह पर कई तरह के आरोप पूर्व में भी लग चुके हैं। ललन सिंह पर यह भी आरोप लगते रहा है कि तेजस्वी यादव से उन्होंने साठगांठ कर लिया था जब नीतीश महागठबंधन छोड़ के NDA की तरफ आ रहे थे। तेजस्वी के पास वो लिस्ट थमा दिया था विधायकों का, उन्होंने बता दिया था कि ये सारे विधायक हमारे साथ हैं, आप चलिए मुख्यमंत्री बन जाइए, हम उप मुख्यमंत्री बनेंगे। ये आरोप लगता है, ये हम कह नहीं रहे हैं बल्कि उनके ऊपर आरोप लगा है और उन्होंने कई ऐसे समाचार अखबार TV पेपर्स पे मानहानि के केस भी उन्होंने किया है। तो ये ललन सिंह एक बार फिर से उसी पैटर्न पे, उसी राह पे चल रहे हैं जिस, या चलाया जा रहा है उनको, क्योंकि ललन सिंह इतना तो तय है नीतीश कुमार के बाद एक बड़े मजबूत स्थिति में जदयू के अंदर ललन सिंह की पकड़ मजबूत है, सांसदों के ऊपर में भी, कार्यकारिणी, क्योंकि पूर्व में राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं जी, जी। और उन्होंने जो फैसले लिए हैं अपने जदयू को लेकर के, आज भी ललन सिंह का गुट सक्रिय है। भले ललन सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है लेकिन ललन सिंह का गुट जदयू में एक्टिव है, हर एक मोमेंट पर
हर एक मान लीजिए मक्खी भी इधर से गुजरी उसके अंदर भी मान लीजिए कुछ षड्यंत्र जा रहा है तो वो भी भाप करके ललन सिंह तक पहुंचा देते हैं कि ये चल रहा है जी। तो ललन सिंह भी अब नहीं चाहते हैं कि नीतीश कुमार एनडीए से हटे जी। क्यों? क्योंकि उनका एक सपना जो पूर्व से रहा है, जो आरसीपी सिंह ने छीन लिया था, केंद्र में मंत्री बनना। 2021 का वो प्रकरण याद कीजिए जब ललन सिंह मंत्री बनना चाहते थे लेकिन आरसीपी सिंह ने अपना प्रकरण दोहरा दिया, खुद जाकर साठगांट कर लिया नरेंद्र मोदी से, जेपी नड्डा से, और जाकर के उन्होंने क्या किया, जाकर के उन्होंने मंत्री पद अपना ले लिया, इस्पात मंत्री वो बन गए। तो ललन सिंह को इससे खटक गया, ललन सिंह को बुरा लगा, वो चाहते थे कि मंत्री हम केंद्र में बने लेकिन वो नहीं बने। लेकिन अब ललन सिंह को मंत्री बनाया गया है तो वो कभी नहीं चाहेंगे कि नीतीश अलग हटे, क्योंकि नीतीश अगर अलग होंगे तो उनका एक तो मंत्री पद चला जाएगा जी। एक इतने दिनों के बाद एक केंद्र में मंत्री बने हैं ललन सिंह, और इस वजह से राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद तक उन्होंने त्याग दिया जदयू के अंदर जी। तो ललन सिंह के माध्यम से बीजेपी खेल करा सकती है जी। कल ललन सिंह का नहीं पहुंचना, ऐसी चर्चा है कि उनको हाईजेक करके दिल्ली में बैठा दिया गया जी। उनके आने का सब कुछ फाइनल था, तय था। सुबह में पता चला कि ललन सिंह नहीं आ रहे हैं, क्यों नहीं आ रहे हैं? शायद अगर नीतीश कुमार ललन सिंह आते तो कुछ बड़ा फैसला कर भी लेते जी। अब नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाने की भी बात उठ गई, तब प्रधानमंत्री का विकल्प है कहाँ आपके पास? विकल्प तो इंडिया गठबंधन में बन सकता है, एनडीए में तो नरेंद्र मोदी है। क्या नरेंद्र मोदी पीएम का पद छोड़ेंगे नीतीश के लिए? कभी संभव ही नहीं है कि नरेंद्र मोदी छोड़ दे जी। तो ये एक मतलब खबर जदयू के अंदर से उड़ाई गई, प्रधानमंत्री बनाया गया, दबाव बनाने की कोशिश बीजेपी के अंदर भी की गई, तो बीजेपी ने भी ललन सिंह के माध्यम से जदयू पर दबाव बनाने की कोशिश की और उसमें सफल भी हो गए। नीतीश कुमार को फैसले कुछ और भी लेने थे लेकिन कल का मीटिंग 3 घंटे में समाप्त हुआ और नीतीश कुमार ने 3 घंटे में ही सब कुछ ये कह दिया कि 2025 के चुनाव में उनको मजबूती के साथ रहना है। तो क्या नीतीश कुमार को हटाने की शुरुआत हो गई है क्या? बिल्कुल, ये प्रश्न एक बहुत मतलब आपका वाजिब प्रश्न है और इसकी चर्चा भी अब हो रही है जी। हम बाबा के साथ जुड़ेंगे थोड़ी देर में, उस पर चर्चा करेंगे कि आखिरकार नीतीश को हटाने की साजिश क्यों चल रही है जी। बाबा कई बात जानने की हम कोशिश भी करेंगे अगले कड़ी में, लेकिन आप इतना तय मानिए, इतना आप जान लीजिए कि वाकई में नीतीश को रिप्लेस करने की तैयारी चल रही है। जदयू के अंदर कई ऐसे मंत्री हैं जो सीएम के दावेदार खुद को मानते हैं और वो चाहते हैं कि नीतीश सिंहासन खाली करें कि ये कार्यकर्ता आ रहे हैं। वो एक कहावत जो है कि कार्यकर्ता नेता मंत्री वो खुद को सोचते हैं कि हाँ सीएम के बाद हम हैं तो हम उस कुर्सी पर बैठे, और कब तक नीतीश कुमार के भरोसे, पता नहीं कब इधर पलट जाते हैं, कभी उनका मूड उधर पलट जाता है। अब कल के लिए उनके लिए लड़ रहे थे तो अब इनके लिए लड़ना पड़ेगा जी। तो ये कहीं ना कहीं अब 18 साल हो गए 17 साल 18 साल 19 साल हो गया उनको कुर्सी पर बैठे हुए, तो इससे क्या होगा ना कि अब भाजपा के साथ भी सामंजस्य बैठाना में थोड़ी सी मतलब जी। वो चाहते कि अनबन नहीं, जैसे वो चाहते कि सामंजस्य बैठाने में हमारा जो है वो सही रहे, मतलब अच्छे से रहे हम। नीतीश कुमार का क्या है कि अगर भाजपा डिमांड को पूरा नहीं करती है तो नीतीश पलट भी जाते हैं, पलटने से नुकसान इन लोगों को हो जाता है। तो इस वजह से नीतीश को रिप्लेस करने की अब कैसे तैयारी की जा रही है, तो भारत रत्न दे करके मांग किया जा रहा है कि नीतीश कुमार को भारत रत्न दे देना चाहिए। अब भारत रत्न सर्वोच्च पद है और कब मिलता है, जब आप रिटायर कर जाते हैं, कोई भी रिवॉर्ड्स आपको अंतिम चरण में जब आप रिटायरमेंट करने वाले होते हैं, तो भारत रत्न का दिए जाने की मांग इस वजह से की जा रही है। तो ये एक साजिश रची जा रही है नीतीश कुमार को सीएम के पद से हटाने की। मुझे लगता है मीटिंग से पहले मीटिंग हो गया था और तय किया गया था कि ऐसा डिमांड किया जाए और बीजेपी ने हामी भी भर दी है। अगला प्रश्न आप यही करेंगे कि भाजपा भी तैयार है जी, तो भाजपा भी इसके लिए वाकई में तैयार है? बीजेपी सिन्हा का बयान सुनिए या फिर बीजेपी के कई नेताओं का बयान सुनिए, कह रहे कि हाँ बिल्कुल नीतीश ने जो काम किया है बिहार के लिए, जो नीतीश ने योगदान दिया है बिहार के लिए, देश भर में सबसे सर्वोच्च पद पर नीतीश कुमार ने जिस तरीके से अपने आप को बनाया है उसके लिए वाकई में उन्हें भारत रत्न मिलना चाहिए। और देखिए नीतीश कुमार मुझे लगता है कि डिजर्व भी करते हैं बिहार को बदलने के लिए, जिस तरीके से नीतीश ने काम किया है सड़क से लेकर के बिजली से लेकर के हर चीज। अब आप कहिए कि आप प्रवक्ता बन के बैठेंगे, जो सच्चाई है वो बताना जरूरी है। नीतीश ने वाकई में बिहार में अमूलचूल परिवर्तन किए हैं, बिजली गांव-गांव पहुंच गया है। हम लोग कहा जाता है ना कि हम लोग अंतिम पीढ़ी के वो लड़के हैं जो डिबरी और लालटेन पर पड़े हुए व्यक्ति हैं। अब के बच्चे तो डिबरी लालटेन पर पड़ेंगे नहीं। हम लोगों ने देखा है कि हम लोग लालटेन लैंप और डिबरी जला करके मोमबत्ती तक जला के हम लोग पड़े हैं। आप भी पड़े होंगे जी, जी। तो हम लोग वो अंतिम पीढ़ी है जो जानते हैं कि कहाँ था बिहार और अब कहाँ पहुंच गया है। तो
तो ये कहीं ना कहीं एक अमूलचूल परिवर्तन हुआ है बिहार में, और इसके लिए नीतीश को गुड रिटायरमेंट की वाकई में ज़रूरत है। नीतीश वो डिजर्व करते हैं, ऐसा कहीं नहीं कि दे करके नरेंद्र मोदी या केंद्र सरकार दे करके एक मतलब कहा जाता है कि अपने आप में पीठ थपथपाएगी, ऐसा नहीं। नीतीश डिजर्व करते वो चीज़, नीतीश को देना भी चाहिए। इंडिया गठबंधन में पीएम भी बन जाते नीतीश कुमार तो डिजर्व करते थे, बनना था, सीनियर लीडर्स में से एक है, तजुर्बा भी उनका रहा था, लेकिन खैर वो इंडिया गठबंधन की बात थी। लेकिन नीतीश को रिप्लेस करने की तैयारी शुरू हो चुकी है, और बीजेपी भी जानती है कि जब तक नीतीश रिप्लेस नहीं होंगे हम अपना सीएम नहीं दे सकते हैं। जदयू के अंदर भी कई, जैसे मैंने बताया कि सब खुद को दावेदार मानते हैं, वो लोग भी चाहते हैं कि नीतीश हटेंगे नहीं तब तक हम बैठेंगे नहीं। तो इस वजह से उनके रिप्लेसमेंट की तैयारी चल रही है, और इस वजह से मुझे लगता है कि जल्द ही कुछ बड़ा फैसला भी हो सकता है। और ये आखिरी प्रश्न होगा कि रोहिणी आचार्य ऐसा कौन सा खेल करने वाली है? देखिए, रोहिणी आचार्य सिंगापुर से आई और आते सीधे बाढ़ग्रस्त इलाके में चली गई, ये काबिले तारीफ है। जो उनके भाई नहीं कर रहे हैं, जो नेता प्रतिपक्ष बिहार में रहते हुए नहीं कर सकते हैं, जो एक सीएम का दावेदार युवा व्यक्ति जिन पर युवाओं का एक भरोसा है, वो व्यक्ति आज दुबई में बैठकर वहां से बिहार के बाढ़ के बारे में जायजा ले रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं। उनकी बहन रोहिणी आचार्य बिहार पहुंचती है सिंगापुर से, और आकर के छपरा आसपास, चूंकि छपरा में चुनाव लड़ चुकी है 2024 का, छपरा आसपास में जाती हैं, इनके लिए अप्रिशिएशन है। लेकिन रोहिणी आचार्य के शब्द बड़े मतलब निराले शब्द होते हैं अपने विरोधियों पर हमला करने के लिए। तो ये बीजेपी पर उन्होंने तंज कसा कि बाढ़ग्रस्त इलाकों में हम घूम रहे हैं, तो वहाँ पर नीतीश सरकार की तरफ से बीजेपी का कोई भी व्यक्ति नहीं दिख रहा है, नीतीश कुमार की तरफ से कुछ भी व्यवस्था नहीं किया गया है, तो इस पर वो हमले कर रही थी। बीजेपी ने इस पर जबरदस्त प्रतिक्रिया दिया है। अब रोहिणी आचार्य खुद को एक पॉलिटिशियन मान रही हैं, चुनाव के अखाड़े में खड़ी हैं, एक बार का एक्सपीरियंस तजुर्बा उनका रह चुका है। उन्होंने वादा किया आपने सारण की जनता से कि हम आएंगे, लोगों से मिलेंगे जुलेंगे, अब वो जा रही हैं। अब इनका तजुर्बा एक्सपीरियंस काम आएगा कि नहीं, ये तो आने, कई लोगों ने विरोध भी कर दिया, उनके ही कई राजद के विधायक थे या फिर उनके प्रतिनिधित्व मंडल के लोगों का विरोध किया, उन्होंने सुना भी। और देखिए, हर चीज़ की तारीफ होनी चाहिए। रोहिणी आचार्य वाकई में उन्होंने वो किया है जो उनके भाई नहीं कर रहे हैं। रोहिणी आचार्य वाकई में सारण में घूम रही हैं जनता के बीच। इस वक्त तो तेजस्वी यादव को रहना चाहिए और राघोपुर का विधानसभा क्षेत्र है उनका, कितनी बार जाते हैं ये सबको पता है, फिर भी वहाँ के लोग विश्वास जताते हैं। यादव बाहुल्य क्षेत्र है तो वहाँ पर लोग जिताते हैं उनको, बार बार भरोसा करते हैं। अब तेजस्वी क्या आँख दिखा के चले जाते हैं फिर? तो ये चर्चा अभी बिहार में चल रहा है, और आज भी इन्हें सब तमाम मुद्दों पर चर्चाएं होंगी मुझे लगता है। तो चलिए, जितने भी आपके सवाल थे आप दर्शकों के, उनका जवाब हमारे सहयोगी ने दिया है। अगर आपको कोई और सवाल पूछना हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। और फिलहाल रातों रात में इतना ही। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। तब तक के लिए धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ ये एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाए। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कली 9386816700। धन्यवाद।